आगरा एक ऐतिहासिक शहर जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। यह वह शहर है जहां मीर ताकी और मिर्जा गालिब जैसे उर्दू कवियों ने जन्म लिया। आज के दौर में यह शहर मुख्यतः दुनिया के अजूबों में शामिल ताजमहल की वजह से जाना जाता है। मिर्जा गालिब का एक बेहतरीन शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैंने एक पोल किया था यूट्यूब पे जिसमें कि लगभग 80% लोगों ने ये माना कि लॉकडाउन सीरीज़ को आप लोग पसंद करेंगे। तो आज लॉकडाउन सीरीज़ के इस कड़ी में मैं आपको एक ऐसे महनीय व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार्यरत हैं, दिल्ली में काम करते हैं और इनका नाम है मिस्टर मयंक द्विवेदी जी। ये सौदागर के एक अच्छे व्यूवर भी हैं, तो इनसे मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे अपने इस चैनल सौदागर को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं मयंक सर से। नमस्कार मयंक सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय दिया। मुझे बताएं और हमारे व्यूअर को भी आप बताएं कि आखिर आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं, क्योंकि ये काफी बिजी शेड्यूल होता है आप लोगों का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हैं आप, तो अब कैसा समय आप व्यतीत कर रहे हैं और तब और अब में फर्क क्या है? देखिए शिशु जी, ऐसा है कि वास्तव में व्यस्तता तो बहुत रहती है जब ऑफिशियल समय में हम लोग रहते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के समय जैसा कि आपने भी बताया कि आपका जो ये सीरीज है, जो लॉकडाउन सीरीज आपने स्टार्ट की है, तो मैं क्योंकि सौदागर का और आपके माध्यम से मैं उसका बड़ा फॉलोअर रहा हूँ, बहुत ही जेमत से कई बार जुड़ा रहा हूँ जी, और कई बार हमारी इस पे चर्चा भी हो चुकी है, मैंने कई एक दो निवेश भी किए हैं और समय इस दौरान थोड़ा ज्यादा मिल गया घर में रहने का 21 दिनों के दौरान, क्योंकि लॉकडाउन जैसी स्थिति थी तो समय आजकल घर में ही है, परिवार के साथ हूँ, आगरा में हूँ इस समय और मैं दिल्ली से आ गया था अपने परिवार के साथ। अच्छा, तो समय आप क्या कर रहे हैं, कैसे व्यतीत कर रहे हैं, क्या शौक हैं आपके? ऐसा है कि एक्चुअली लॉकडाउन में वैसे तो जब ऑफिस में होते हैं तो कुछ अपनी जो अपनी हॉबीज होती हैं उसको हम लोग ज्यादा नहीं एक्सपोज कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल मौका है, समय अच्छा है और घर में ही है, कहीं बाहर नहीं जाना है, तो वैसे तो बच्चों के साथ रहना होता है, खेलना कूदना होता है और भी गतिविधियां होती है, लेकिन मैं चूंकि साहित्य का शौकीन हूँ, काव्य का शौकीन हूँ, लिखता पढ़ता रहता हूँ, तो आजकल कुछ ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ और ऐसे ही अपना, और आप देख ही रहे कि इस समय हमारी कुछ पुरानी चीजें भी ताजा हो गई, रामायण और महाभारत जैसे सीरियल भी दर्शन पर आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कुछ देख कर ही समय व्यतीत हो रहा है। तो क्यों ना आप जो है कोई अपनी एक पसंदीदा कविता हम लोगों के सामने भी रखिए, व्यूअर के सामने भी रखें, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, आपने चूंकि कहा है तो आज मैं आदरणीय अदम गोंडवी जी की रचना आपके सामने, आपके जो और भी व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। गाँव का परिवेश। विश्व में चर्चा है भारत बस रहा है गाँव में, विश्व में चर्चा है भारत बस रहा है गांव में, आइए इस तथ्य का हम आत्म आलोचन करें, क्यों न पहले गांव की गलियों का अवलोकन करें। सामने ऊंचा महल जो सिर उठाए गर्व से, है खड़ा जो चांद निकले यामिनी के गर्व से, यह जो दरवाजे पे बुढ़ा देव अर्चन कर रहा, यह जो दरवाजे पे बुढ़ा देव अर्चन कर रहा, घाघ है इस गांव का छल से धनार्जन कर रहा, ब्याज लेकर कर रहा शोषण समझ लो चोर है, साधुता तो बस दिखावा है ये आदमखोर है, दिखावे के लिए तो हनुमान जी का भक्त है, असली ईश्वर किंतु इसका थैलियों में नस्त है, पढ़ रहा गीता प्रकटतः पर है अपने दांव में, कितने घर उजड़े हैं इसकी साधुता की छाव में, कृष्ण को बंधुआ बनाकर कर रहा है साथ में,
कितनी द्रौपदियों का लज्जा वस्त्र इसके हाथ में, कितने दुशासन हैं अपने गांव के इस देश में, अरे भेड़िए हैं राज करते साधुओं के वेश में। गांव का हर आदमी इनके लिए बस वोट है, गांव का हर आदमी इनके लिए बस वोट है, लोकतंत्र के नाम पर हर चुनाव एक चोट है, खून अपनों का बहा तब हमको आज़ादी मिली, मजहबी दंगे विरासत में यह बर्बादी मिली, झोपड़ी से महल की बीच की ये दूरियां, भुखमरी से जूझते इंसान की मजबूरियां। क्या कोई चारा नहीं ये खाई हम पाट दें, क्या कोई चारा नहीं ये खाई हम पाट दें, व्यक्ति की पीड़ा समूहों में परस्पर बांट दें, व्यक्ति की पीड़ा समूहों में परस्पर बांट दें। विश्व में चर्चा है भारत बस रहा है गांव में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये कविता आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक सर। तो दोस्तों आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के बताना ना भूलिए। यदि आपके आसपास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं और आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि लोगों के सामने लाया जाए, और आप अपने समय को लॉकडाउन में कैसे व्यतीत कर रहे हैं, ये आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।